हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट टैलेंट, एक अननेसेसरी रियलिटी शो। इस शो का कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। कमोड पे बैठ के सोचा था यार इस शो के बारे में। आ गए लोग अभी। इट इज अ पॉइंटलेस रियलिटी शो बट इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सिस्टम। इंडिया के कोने कोने से लोग इस शो में अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे। उनके पास केवल 90 सेकंड होंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, लेकिन अपना टैलेंट दिखाने से पहले उन्हें खुद को 10 में से स्कोर देना होगा। टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी उनको स्कोर देंगे। अगर जजेस का एवरेज स्कोर वही निकलता है जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्मेंस करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा और उस दिन के शो टिकट सेल्स का सारा पैसा उनका हो जाएगा। जी हाँ, इस शो से हमें पता चलेगा कि कौन कितना सेल्फ अवेयर है, और इस शो के यूट्यूब व्यूज से हमें ये पता चलेगा कि कौन कितना बेरोजगार। That's how we do it, and India's got lated. तो बस शुरू करते हैं। तो ऑल राइट, एक क्विक इंट्रोडक्शन गाइस, अर्पित बाला who's at the top right now. He's at the fucking top of Subway Surfers. Yeah. GTA 5 gameplay videos. ठीक है? ओए! बेंचो इज्जत से. And then we have Bappa here. Guys, make some noise for Bappa. Bappa is here because Arpit को अकेला नहीं आना था दिल्ली से. कैसा है बापा भाई? बढ़िया लगा भाई, बढ़िया, बहुत 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 nice to have you here भाई. चश्मे क्यों भाई? भाई मतलब वो रैपर लाइफस्टाइल, हम सीन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ना भाई, एक्चुअली मतलब करना पड़ता है, लाइक रिप्रेजेंट करना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट लीस्ट नोन रैपर्स, देयर इज साहिल काले. यू नो ही कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ रैपर्स, हिज फादर वाज अ गिफ्ट रैपर. वी आल्सो हैव अमीन जैज. Guys, Amin Jazz, he's here so that we have all the vote banks covered. Let's go, bro. So, camp tayar, should we begin? India's got latent. Let's go. All right, make some noise for the first act of the night. Parikshit Gandhi, guys, make some noise for it. अभी डांडी मार्च होने वाले हैं. नहीं, बुरा मत मानना, दिस इज जब भी आप कोई भी ऐसे मुनावर फारूकी जैसे जोक मारते हो ना, तो ऐसा हो सकता है. I'm just saying ऐसा हो सकता है. मैं तो करने दे बेचारे. सॉरी. ऑलराइट, मेक सम नॉइस फॉर परीक्षित गांधी. आप लोग मुझे देखने आए हो ये सबकी तरह मेरा मजाक उड़ाने. हाँ, यही है मेरा घर. हाँ, यही रोड, यही फुटपाथ, मेरा माई, मेरा बाप, मेरा भाई बहन सब, क्योंकि मैं इसका ध्यान रखता. और ये अच्छा लगता है ना सुनने में, पर अच्छा होता नहीं है जब एक वक्त की रोटी के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है ना. ये दादा दो दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दो ना दादा. भाई साहब आप दो ना, भाई साहब नफरत है मुझे भीख मांगने से, पर क्या करूं, मजबूरी है, करना पड़ता है, मजबूर हूं. आप लोग तो कह के चले जाते हो ना, ए भिखारी कुछ काम वाम नहीं है क्या करने के लिए. कभी सोचा है कि उस भिखारी के मन पे क्या बीतती है? सोचा है कभी? आप लोग स्कूल जाते हो ना स्कूल? मैं जाता था. एक दिन मैं स्कूल से घर आ रहा था, मैंने देखा बाबा की चप्पल, और वो भी घर के दरवाजे पे. इसका मतलब बाबा आज काम पे नहीं गए. मैंने उन्हें ढूंढा, बाबा कहाँ हो आप? बाबा किसी कमरे में नहीं थे. मैं तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा. बाबा दरवाजा खोलो, मैं गेट खटखटा रहा हूँ, बाबा दरवाजा खोलो. बाबा, मैंने गेट तोड़ने की कोशिश की. बहन चोद, तुम लोग हंस रहे हो. आ भाई, क्या गंदी ऑडियंस है भाई. ये ना एक स्ट्रीमर की जिंदगी है, एक यूट्यूब स्ट्रीमर की जिंदगी है ये. तुम हंस रहे हो भाई. मरने वाला था बाप आगे. भाई मैं बाप को बोल के आया हूँ कि मार के आऊंगा आपको. खाज बाप
10,000 लेके आऊंगा आपको मार के। बाबूला मैं गरीब हूँ। फिर मैं अपने कमरे में गया, फिर मैं अपने पापा के कमरे में गया, फिर मैंने आंगन खोला, वहां पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। The plot isn't plotting, भाई। तू खुद तेरा कैरेक्टर ब्रेक हो गया था ना बीच में? है नहीं वो ऑडियंस, नो कमेंट। बोलना जो बोलना, खोल दे अभी। भाई इतनी घटिया ऑडियंस है भाई, कसम से एक नंबर की लंड ऑडियंस है भाई। भाई इतना मैं... यही ऑडियंस है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। स्कोरिंग वैसे ही ऐसा इसने मस्त किया, पता है मूड हो गया और खराब लगता है ये। He looks like Arnav if BJP was not in power. All right, time to score him, भाई मेरे को बहुत मजा आया भाई genuinely. तो मैं दे रहा हूँ 10/10. And Arpit has given a 9. Yes. पापा अभी peer pressure में आके नहीं आया, peer pressure में 6. साल काले भी तो 8. And 8 by I'm in jazz, that makes your average of 8. Round off कर रहे हैं हम इस episode में ताकि कोई winner मिले हमें. थोड़ा सा जो जिस तरह चल रहा है जीत गया क्या? परीक्षित गांधी एवरीबॉडी। अब नेक्स्ट वी हैव केशव झा। भाई मैंने ना देखा झा लोग मैथ्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। सच है क्या? क्या हो गया भाई? पढ़ाते हैं भाई। सर रुक जाए, उसको होने दे यार। Go and make some noise for Keshav Jha. Sorry. My bad. Make some noise for Keshav Jha. कितने आए थे भाई आपके मैच में? भाई रुक जा यार, होने दे उसको यार। Guys, make some noise for Keshav Jha. शुरू हो गया मेरा मैच। तो कविता इस प्रकार है कि swag my swag, make some noise for Keshav Jha. What's up man? Woo. स्टार्ट करो। लेट्स गो। फाइनली लेट्स गो। स्वप्न सलोना स्वप्न सलोना अति अलौकिक चंद्र सो वदन तुम्हारा प्रिय। ए यो इडियट। स्वप्न सलोना अति अलौकिक चंद्र सो वदन तुम्हारा प्रिय मृग नयनी तुम अनंत अनुपा चित चाहे आत्म आलिंगन प्रिय। केश जनु सरसों की बाली केश जनु सरसों की बाली भोहे भ्रमित कर जाती है अधर तिहारे अत्यंत निराले ये नेत्र कुछ कहना चाहती है द्वारपट खोलो इन आँखों का द्वारपट खोलो इन आँखों का ये मन चाहे आरक्षण प्रिय स्वप्न सलोना अति अलौकिक चंद्र सो वदन तुम्हारा प्रिय। Make some noise for Keshav Jha. Yes sir. ये क्या शराब फेंक के मारा भाई? ये वो हिंदी है जो आजकल इंडियन सब भूल गए हैं। और जिन्हें स्वैग की लैंग्वेज आती है। यस सर। और जिन्हें बस यो व्हाट्सएप यो व्हाट्सएप वो लैंग्वेज आती है। सही बिल्कुल। अब और मत बोलो, मेरे को पिटना नहीं है। तो अभी ये हिंदी में क्यों बात कर रहे हो आप?
ये इसलिए मैं बात किया, जिसको नहीं आता उसको शर्म आए, जो हम इंडियन होके हमें हिंदी नहीं आती, हिंदी का मतलब नहीं पता। आप ऐसे हिंदी बोल रहे हो और अभी आप बाहर जाके ऐसे सुन, आप हिंदी में बात कर रहे हो, बता ये वेज या हिंदी का सब बोला तब 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 वो थ्री इडियट्स वाली स्पीच लग रही थी। Yes. पापा साइड में बोल रहा, भाई अब ये पाद की आवाज कब निकालेगा? बाद की बात कब होगी? मैं वही सोच रहा था। तो इससे पहले आप सिंगर थे? सिंगर हूँ मैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण मैं सिंगिंग नहीं किया अभी। अच्छा, तो अभी आपके पास टाइम है, एक बार अगर कर सकता हूँ गाना गा देगा तो कम ऑन, मेक सम नॉइस। हंसता रहता हूँ तुमसे मिलकर क्यों, आजकल बदले हैं मेरे तेवर क्यों, आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। थैंक यू भाई 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 भाई, आपने ना गलत चीज कर दी यहाँ पे आके, गलत चीज कर दी, उल्टी चीज कर दी आपने। मतलब क्या चीज कर दी भाई? गाना चाहिए था ना, मतलब गाना तो गाया नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं था जो सिंगिंग भी चलेगा। अच्छा, नहीं अच्छा था उसका, बट यही अगर आप हमारी हिंदी की भाषा में कर देना यार तो बहुत मजा आता। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म, माँ कसम, मासी गाने जो मैं अपनी माता जी की सच्ची कसम खाता हूँ कि अगर आप ये ना करके सत्य बताते प्रिय, बड़ा उचित होता। मैं बहुत उचित होता। नहीं भाई, मैं आपकी कला पे तो बिल्कुल भी कीचड़ नहीं उछाल रहा। मैं आपको पूरे नंबर इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ना, मतलब मुझे ना आपसे, मतलब होता ना घिन, जिस तरीके का आपका चरित्र है, जैसे आप दूसरों को देखते हो कि ये लोग तुच्छ लोग हैं क्योंकि ये उस वाणी में बात नहीं करते। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूँ। आपने कहा शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, कितने लोग को हिंदी बोलने में भी शर्म आता है, जो बात है मैंने बहुत लोग को देखा है भाई। इनको देखो। क्योंकि फॉरेनर जो है अपना कल्चर अपना रहे, अपने लोग अपना कल्चर भूल रहे। जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस हर कोई पैनल पे इसको 10 दे रहा है भाई। एक सेकंड, मैं पूछना चाहता हूँ, ये बिग थक क्यों लिखा है? मतलब ये बिग थक अगला है भाई वो। अच्छा, अगला है, सॉरी। ऑलराइट गाइस, तो मैंने दिए हैं 9.5, अर्पित ने दिए 7, बप्पा ने दिए 7, साहिल काले भी तो हिंदी में 4 अपनी बस पी आर देखनी है। आपका एवरेज हुआ 7.5। हाँ, कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो। थोड़े से रह गए आप, थोड़े से। शिट, मजा आया, अच्छा बंदा था यार। यू नो, ये एक ऐसा कंटेस्टेंट था, दिस सीक्रेटली वी वर ऑल रूटिंग फॉर हिम। केशव झा, थैंक यू सो मच भाई, लव यू अ लॉट, मेक सम नॉइज फॉर केशव झा। और रामकृष्ण नल्ला के लिए एक बार जोरदार तालियां भाई। लेट्स गो, चलो। मैं हूँ पेन किलर, बार्स को पिन करूँ लाइक कशियन वन, यू मेस विद मी तो लिरिकल ये डेड वन, आइट दिस रैपर जैसे स्वीट कॉर्न, ये रोते जैसे बेबी न्यू बॉर्न, इन्हें पता है यहाँ बॉस कौन और क्लोन कौन है, लिरिकल वीक पिलो कॉम्प्लेन, स्ट्रगल किया ना कि गॉड प्लान, जिसको क्या एडमायर वो भी लिरिकल किंग, डॉलर साइन, आई केम विथ फायर ऑफ रो स्ट्रॉन्ग, मैं उड़े विल जब वो माई कॉन, हिप हॉप पे बनूंगा मैं एक माइल स्टोन, मेरे पंचे से तू होगा नॉकआउट, कज आई एम अ टायसन, मैं जाने लगा पीछे माइकल, कैन यू टेक माई राइफल, रफ्तार इज माई आइडल, टाइम अप। इतना ही बस? थोड़ा ही था।
राइफल प्रिपेयर किया था नहीं नहीं हार्ड तो था हार्ड तो था आई फील हार्ड तो था भाई सुनना इसको आई फील लाइक कि इसके ऊपर नहीं इसके ऊपर अगर थोड़े अच्छी लिरिक्स होते तो मजा आया था लिरिक्स अच्छा ही है क्या तुम मेरे साथ बैटल कर सकते हो कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो भाई समय भाई अब रैंक पुल करने का टाइम आ गया भाई मैं तब से ट्राई कर रहा था समय भाई कि यहां तक बात ना आए ना आए गान पड़ रही है भाई तो भाई क्या करना होता है बैटल में जो करना होता है तो आया मेरे ओह माय गॉड हो जाए भाई बैटल बोलो हाँ भाई मुक्का मार सकते हैं इसमें जूता वूता मार सकते हैं कुछ नहीं only bars वहाँ की जूता क्या यो नो कैमरास नो कैमरास क्या भाई केशव जा को ले गया भाई नो कैमरास ओए कैमरास नीचे रखो केशव जा चाहिए भाई मेरे को भाई केशव जा कहाँ है भाई where is केशव जा भाई you need him better call केशव जा रुक जा भाई मैं भी निकालता हूँ अपना राइफल स्मॉल थग हो जाए भाई हमें हमारी टीम है भाई ठीक है भाई हो जाए भाई अभी चलो भाई भाई एक माइक दो भाई इसको लेट्स गो भाई आई मीन तू दे वैसे कम बात कर रहा था भाई मुंह पे चिपका के रखना है इसको ठीक है सिंगिंग नहीं करना है इसका जो इसके पिछवाड़ा जो है उसमें लिंग डालना है हमको अभी पर बैटल होने के बाद पता चलेगा कौन किसके पिछवाड़े में डालेगा ए टर्न बाय टर्न ओके तो ये अभी हमें कुछ अभद्र बोलेगा हाँ अभद्र वाणी करेगा हमारे साथ फिर हमें इसका अश्लील वाणी करनी है ठीक है फिर और जनता बताइए कौन जीता तो हो आप एक शुरू हो जाए फिर हम एक करेंगे फिर ऑडियंस बताइए कौन जीता भाई मेरे बार सुन के तो हो जाएगा चुप लाइक एनिमल में अब्रार तुम आ दिख रहे हो कलरफुल लाइक LGBTQ तुम करो एक एक बार करते हैं ठीक है बोला क्या मुझे समझा ही नहीं वो क्या बोला आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर जो बोलोगे उसको समझ में नहीं आएगा ए मूर्ख अपनी छवि सुधार ए मूर्ख अपनी छवि सुधार मूर्ख अपनी छवि सुधार This was like, where are they? Big Bang Boom Pa. I left my, kya tha uska? I left my ex. Here's a number. Psych! That's the wrong number! Oh bro. That was really fun. Ulta pad gaya. Aapko lag raha tha, aap game lekar aoge. Humne game kheli nahi. 48 laws of power. वो तो है नहीं पर गाइस कम ऑन मेक सम नॉइस फॉर केशव झा आप भाई यू नीड तो यू वांट टू बिकम द बेस्ट बैटल रैपर इन इंडिया यस राइट नाउ यू नो हु इज अहेड ऑफ यू मेरे भाई Can't believe वो तो मेरे गांड मार के चले गए no competition भाई no नहीं but seriously इस बार तो सही में मिलाऊंगा
नहीं बार मैं नहीं कपने वाला बट आई नीड टू डैप नो आपको भी रिग्रेट होना चाहिए यार ना मिले तो कैसा होगा ठीक है बिग तक भाई माय बैड ठीक है आई कांट गेट ओवर ए मूर्ख अपनी छवि सुधार लेट्स गिव हिम सम फकिंग मार्क्स यस 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 तो भाई दैट वाज रियली गुड आई एक्चुअली लव्ड इट आई एम एक्चुअली गोना गिव यू अ 9 फॉर द कॉन्फिडेंस मेरे भाई या 8 फ्रॉम अर्पित बारा यहां पे 3.5 फ्रॉम फकिंग साहिल काले बप्पा भाई बप्पा 4 3 फ्रॉम एम एन जेस दैट मेक्स योर एवरेज 5.5 7.5 दो नंबर से रह गए भाई दो नंबर से रह गए पर दो नंबर आपने कर दिया यहां पे तो फिर सही हो गया टेक केयर भाई टेक केयर चलो बाय स्वीट है स्वीट तो है स्वीट ये स्वीट क्यूटी भाई क्यूटी चार लोग आ गए भाई तो एनल एंड अरविंद वही हुक्का ला रहा है नहीं नो 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 सॉरी माय बैड बी डाउन बेबी माय बैड सॉरी जेप्टो में करो भाई आप सच में गांड फाड़ हो गया भाई आज 3 मिनट में डिलीवरी भाई जो पागल भाई जेप्टो वाले माँ कसम भाई अगर अगर स्टीफन हॉकिन ये देख रहा था ना तो क्या माचो उतरे सही में ब्रो फक तो आज क्या कार्टर रोड बंद था आज कार्टर रोड बंद था आज बारिश की वजह से भाई ये तो बहुत ही सही था यार ये तो इस पे लेकिन वो क्या कर रहे थे पीछे आप गए वो बीटबॉक्सिंग करता भाई वो बीटबॉक्सिंग करता भाई अच्छा तो अच्छा आप बीट के ऊपर कर रहे थे ये अच्छा फुल टाइम क्या करते हो आप फुल टाइम भाई प्रैक्टिस ही करता हूँ मतलब हाउ डू यू मेक मनी भाई पैसा नहीं बनाते आप पैसे जरूरत नहीं कल्चर जरूरत है कल्चर चाहिए और इंडिया में कल्चर अंडरग्राउंड है मेरा इसीलिए मैं आता यहाँ पे गाइस मेरा नाम अनुल है और मैं 2005 से करता हूँ इंडिया में इस कल्चर का कोई वैल्यू नहीं है ट्रैफिक है ना भाई इधर हाँ ना भाई बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा यानी कि डेढ़ पेटी का तो ये बाइक आ जाती भाई डेढ़ लाख रुपए की हाँ भाई तो मतलब कैसे लिया कैसे मतलब पार्ट टाइम जॉब कर लेती ब्रो कुछ भी क्या करते हो आप पार्ट टाइम यानी कि अभी पिज्जा डिलीवरी ब्रो कभी जोमैटो मार लेते हैं गांड फाड़ते तो गए आप तो भाई फाड़ते भाई भाई अबू ने भी बहुत उखाड़े ले भाई ऐसा बहुत सारे मूवीज में काम किए ले बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी काम किए ले तो अच्छा अच्छा नहीं लगता तो एक कल्चर ना अंडरग्राउंड ही रह गए हर दिन हीरो के पीछे नहीं भाई हम लोग भी एक खुद हीरो इसमें एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है रिस्पेक्ट है भाई थैंक यू भाई आपको ही है बस सो मच
उसने तो ठीक ही किया था। ये मेरा भाई है भाई, ये पार्ट टाइम ना भाई बीट बॉक्सिंग करता और पार्ट टाइम रिक्शा चलाता था, ऑटो चलाता मुंबई में। रिस्पेक्ट है भाई। मैं ऐसे ही बताऊं, फरीदाबाद दिल्ली में ऐसे लोग मिलते हैं ना तो वो सिर्फ और सिर्फ स्मैक करते हैं भाई, माँ कसम, दिस इज वाई आई फकिंग लव मुंबई। हाँ भाई, आप नशा करते हो? नहीं नहीं, देख के नहीं लगता है भाई कि मतलब look at him man, fucking built. वो पूरे टाइम भाई खाते नहीं है, पूरे टाइम प्रैक्टिस ब्रो, वर्ल्ड चैंपियन करना है। माँ कसम, इधर नहीं भाई, ये छोटे मोटे प्लेटफॉर्म नहीं, वर्ल्ड चैंपियन। मैंने भी काफी गोल जीता हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि चेक करो यूट्यूब पे अनुल पाले बीएमएक्स, बीएमएक्स इंडिया भी डालोगे तो पहला वीडियो मेरा आता भाई। लोग लेट्स गो भाई, आई थिंक आपके पास सब है भाई, बस आपको एक अच्छा बीट बॉक्सर चाहिए। अब भाई बीट बॉक्सिंग ये मैं तो अकेला करने वाला था, क्योंकि भाई मैं हकीकत बताऊं तो मैं अकेला करने वाला था इसको। मैंने इसके लिए चांस दिया क्योंकि रोज मेरे साथ में रहता, भाई को भी एक चांस देते हैं जो बड़ा बात करने के लिए। यस ऊपर से भाई, बस क्या माय फ्रेंड फ्रॉम एडी, हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एडी, बीट मशीन, या डेवंस, डेवंस अनिल भाई, सस ये तो रहेगा। डेवंस जब तक साथ में है ना तो फिर टैलेंट वैलेंट मार चुका है। हां भाई हक से तो ऑल राइट मेरे भाई, दैट वाज रियली गुड एंड रियली नाइस। तो इसको स्कोर देने का टाइम आ गया भाई, 10 मेरी तरफ से भी 10 है, अर्पित की तरफ से भी 10 है, 17 ये बंदूक निकाल रहा है साहिल तेरी वाली 8.5 ओके थैंक यू आमिन 9 शुक्रिया भाई 9 दैट मेक्स योर एवरेज ऑफ 9 थैंक यू भाई। अरे आपको स्कोर दिखाना है, दिखाना है मुझे। हां हां पूरा स्कोर क्या हुआ, कितना हो गया? 9 हुआ, लग गई लौड़े 9.5 रोलर लग गए। हां डैम इतना क्लोज, क्लोज था भाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आते फिर उसमें मचाते। लेट्स गो ब्रो, थैंक यू भाई, ये जो प्लेटफॉर्म तुमने बनाया, थैंक यू एवरीवन गाइस, प्लीज थैंक यू, पीस #BMXIndia yeah. So that was Anul and Arvind bhai. Anul and Arvind. Anul kaun tha inme se lekin? Ye raaz unhi ke saath chala gaya abhi. Cycle cycle. Confident tha bhai wo aadmi yaar, gaan phad gayi meri usne yaar. Mere ko kuch ulta bolunga main, so ghar mein chori kar lega mere. Main iske liye khada ho gaya tha bhai. Meri to gaan phad gayi thi usse bhai. मैं तो चुपचाप बैठा था भाई। मेरा तो अच्छा, मैं पुणे में रहता हूँ, तू ना देख। वाह यार भाई, कल चला के आएगा वेंचर एक्सप्रेस हाईवे पे, मार चलेगा तेरी, 2 घंटे में पहुंचेगा वो। इसको देख के ऐसा लगता है कोई मिल गया हमें बहन चोदने वाले अभी सबकी। Let's go, give it up for Ejaz Khan. On top. टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ है? टाइमर स्टार्ट हो जाएगा भाई अभी। इनम से आगे मैंने कलम को रखा है, दुश्मन के जख्मों पे भी मैंने मरहम को रखा है, नमक वाली बात ही नहीं, नमक आराम से मजहब की माना तभी तो बात से पहले मैंने सलाम को रखा है, बातों से आंखों के आंसू कैसे छीने ये भी तो मेरे कलाम को पता है, रोशनी की चाही नहीं नाखों में अब तभी तो रातों की चाहतों में मैंने राहत के करम को चखा है, मुसन्निफ मैं रब भी लिख दूर्दू में क्यों छीनने की सोचू उनसे जिन्हें कल भी गुद्दू में रोल मॉडल कोई नहीं अहमा घोट क्या तुम्हें और सीख दूँ मैं जानी मेरा विलन साहब है तू बोल तो पत्थर पर लकीर खींच दूँ मैं मदा फकल लिसन लोफी और मनाली का मेहमाल फिर कैसे ने ट्रिप दूँ मैं गॉट मी थिंकिंग एवरी टाइम क्योंकि मैं ज़्यादा हंसता नहीं कैसे लिखो बातें कम और बोलूँ ज़्यादा फिर तो मैं खुद को भी जचता नहीं कंफर्ट जोन देखा नहीं कॉज आई नो कंफर्ट में कोई किसी को रखता नहीं पोइट्री लिखो साथ रैप भी बट वन डे तेलगोना थोड़ी है सब कुछ तो कर सकता नहीं भाई मेरा टाइम बाकी एक पोइट्री पढ़ूंगा मैं क्योंकि मैं बोला भाई आप समझा ये क्या था ये वाला धीरे प्लीज हाँ ये बहुत प्यार से भी अपने लव वंस को जो भी करना चाहते नज़म उलझी हुई है कागज़ पे मेरी तेरे जिस्म पे अपने अल्फाज सुधारूं कैसे मेरे हाथ कांपते हैं तेरे हाथ के बगैर तेरी पीठ पे अपनी उंगलियों से मैं ताज उतारूं कैसे तेरे जुल्फ के घने जाल में खो गया हूँ अब खुद ही को मैं खुद पुकारूं कैसे और दे के नाम गज़ल का तेरे जिस्म की बनावट को मैं मुआशरे में उछालूं कैसे तेरी तपिश से जो जला है मुझ में उस उम्मीद के चिराग को चिराग ब्रो गाइस एजाज खान भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई आपने तेज भी बोला तब समझ में नहीं आया
धीरे बोला तब भी नहीं समझ में आया। तेरे को कन्वर्ट किया उसने अभी। No more कश्मीरी पंडित। He's fed up of the jokes. Bro, that was really something beautiful. I think आपका एक बैटल कराना चाहिए हमको भाई। देखते ये बैटल डिसाइड करेगा 2029 में बीजेपी आएगी या कांग्रेस। तो भाई एक हो जाए, एक पोएट्री बैटल हो जाए भाई। टॉस 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 होगा भाई, टॉस होगा। ठीक है भाई, फोन आ रहा है तू। हाँ टॉस है भाई। ठीक है, ये टेल है, ये हेड है भाई। ठीक है तो भाई चलो, सिंस आपने अभी शुरू किया तो आप बताओ क्या हेड या टेल। टेल ब्रो, और वो जाएगा। टेल बोलोगे आप? ठीक है, हेड आया मेरे भाई। तो भाई मेक सम नॉइज़ फॉर एजाज़ खान, लेट्स गो। मेरी एक ख्वाहिश के उसका वी हैव ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। इरशाद इरशाद, मेरी एक ख्वाहिश कि उसका दुपट्टा अटके मेरी घड़ी में। मेरी एक ख्वाहिश कि उसका दुपट्टा अटके मेरी घड़ी में। हम थम जाए, वक्त थम जाए, हम ठहर जाए और फिर ना देखूं घड़ी में। ओह वाह वाह, क्या बात है। आंखों में जो अंधियारी थी इन्हें उजालों तक तुमने लाया। आंखों में जो अंधियारी थी उन्हें उजालों तक तुमने लाया। पलकों की पगडंडियों पर स्वप्न का सेज तुमने सजाया। अकस्मात अकस्मात तुम मेरी आंखों के आंगन से यूं ओझल हो गई कि तुमसे मिलने की चाह ने न जाने मुझे कितनी रातों तक जगाया। समझ तो आए भाई क्या बोला है। सुना रहा है कुछ? उसको बोलो भाई। चल कोई नहीं, फिर इसको ही सुना दे भाई। किसी रोज तुमसे भेंट होगी, किसी रोज तुमसे भेंट होगी, ये मंशा लिए बैठा हूँ। कहना तो बहुत कुछ है पर न जाने क्यों नहीं कहता हूँ। पवन की पुकार, पवन की पुकार, आंखों का निखार, बागों का बहार हो तुम। पवन की पुकार, आंखों का निखार, बागों का बहार हो तुम। तपते तन के तपोवन में तरुण हो। बंजर वन के लिए उल्लास भरा वरुण हो। He is not done. His arms are sweaty. यूं व्यक्तित्व तुम्हारा मनमोहन प्रिय, यूं व्यक्तित्व तुम्हारा मनमोहन प्रिय, यदि तुम बनी कोतवाल तो हम भी स्वतः रूप से आत्मसमर्पण हो। भाई ये बताओ क्या लग रहा है, 8 माइल 8 माइल 8 माइल। अबे एजाज की लास्ट चांस है टू रिडीम दिस। नो एवरीबॉडी ऑन द 313 पुट योर फकिंग हैंड्स अप एंड फॉलो मी। सो एजाज खान भाई कम ऑन लेट्स गो। जो भी दिल टूटे हुए जिनके भी वो गौर फरमाइएगा कि दर्द ना पूछ दुख की दवा दे। तुझे तो हर मर्ज का इलाज पता है। चेहरा ना देख आंखें पढ़ मेरी। नाम तो तेरा शहर के हकीमों में सुना है। और बेहयाई की चादर में हया ना ढूंढ तू। ऐसे इश्क का क्या करूं मैं जिसका रंग ही सियाह है। रस्में ना दिखा और ना कर वादे मुझसे जो है झूठे। नाम बता जो उस रंग में छुपा है। No seriously, everyone who's my man, Ajaz Khan, make some noise. All right, how many people got my boy? Keshav.
Oh my God. Oh. थोड़ा समझ में नहीं आया पर मजा बहुत आया. तो आई हैव गिवन यू अ 9 मेरे भाई, क्योंकि आपने बैटल भी किया. यू हैव द गट्स भी भाई, मजा आया मेरे को भाई. 10 10 10 10 from मतलब इतना स्पोर्ट बनना तो भाई. हाँ, एक बार ताली भाई इजाज़ खान के लिए. बहुत लाइक डैम बप्पा देंगे अभी एक कर्व बॉल. अरे 8.5 लेट्स गो. अरे साहिल खान ने दिए 7.5 मानेंगे हम उसको. और चुप आमिन भाई. ब्रो देख आई वांट टू सपोर्ट. I've given a 7. All right, so that makes your average of 8.5. Oh. Seven. क्या भाई? Oops. कोई नहीं realistic. Down to earth bro, down to earth. नहीं भाई बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा था भाई. You are a sport. अभी जाके दुआ करनी है एक तन्मय और एक कैरी जैसा दोस्त बनाना है. All right guys, make some noise for Ajaz Khan. भाई मजा आ रहा है.